जावेद अख्तर, और आपने देखा वकील साहब ने किस तरह से डिटेल के साथ ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का जो प्रोग्राम यहाँ अंदर चल रहा है उसके बारे में बताया, और इसमें जो सबसे बड़ा रोल रहा है वो इस अदारे के जो हेड है फख्र आलम साहब, उनका बड़ा रोल रहा है। वकील साहब भी लगे रहे और ये शानदार प्रोग्राम उन्हीं लोगों की बदौलत हुआ है, ITC रोल बंगाल का ये बड़ा प्रोग्राम आप जैसा कि जानते हैं। मुझे भी यहाँ आने का कवर करने का मौका मिला और हमारे साथ वकील साहब थे, उनकी बातें सुनी, उनकी बातें सुनिए वो किस तरह से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, कैसे किया है। और ये ITC रॉयल बंगाल का इनका पहला प्रोग्राम है, इसमें IPS जो यहाँ के खालिद साहब हैं वो आए थे, सुजय चंदा साहब आए थे, और जितने भी कई जजेस भी आए थे, बैरिस्टर भी आए थे। इस तरह से आप इस ह्यूमन राइट्स को एक इस्तेकाम मिला, सोलिडिटी हुई और एक ताकतवर बन के ये ह्यूमन राइट्स उभरा है। तो आइए सिलसिले में हम वकील साहब की बातें सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माईसेल्फ MD वकील। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ITC रॉयल बंगाल कोलकाता में हमारा ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है। न सिर्फ वेस्ट बंगाल बल्कि हिंदुस्तान के सभी स्टेट से लोग आ रहे हैं, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि इंटरनेशनल लेवल से लोग अटेंड करने के लिए आ रहे हैं। ITC रॉयल बंगाल कोलकाता में आ रहे हैं, और ये ना सिर्फ ये प्रोटेक्शन और ये मोमेंट की बात है बल्कि इंसानियत की बात है, ह्यूमन राइट्स की बात है। इंसान के लिए काम किया जा रहा है, एडुकेशन के लिए काम किया जा रहा है, स्पोर्ट्स के लिए काम किया जा रहा है, वो तमाम लोगों के लिए काम किया जा रहा है, जो गरीब तबका के लोग हैं, हर जाति हर धर्म के लिए काम किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर जाति और धर्म के लिए काम किया जा रहा है। इसका एक ही पैगाम है कि हिंदुस्तान के 140 करोड़ को कैसे एडुकेशन दिया जाए, कैसे उनका हेल्थ को स्ट्रॉन्ग किया जाए, कैसे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, कैसे लोग हर मर्द औरत कैसे जो है बेहतर तरीके से वो रह पाए, एक अच्छा हिंदुस्तानी बन पाए। जब हमारा हर एक एक व्यक्ति, हर हर हिंदू, हर मुसलमान, हर सिख, हर ईसाई, हर इंसान जब ताकतवर बनेगा, तभी 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना सकते हैं, मिल के मना सकते हैं, तब हमारा जो हिंदुस्तान तरक्की करेगा। और हम लोग कह सकते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसकी ये गुलसिता हमारा। आज के जो प्रोग्राम है उसके बारे में बताइए। आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल सेमिनार किया जा रहा है, और बीइंग सेंट्रल प्रेसिडेंट मोहम्मद वकील, आई एम डिलाइटेड टू टेल यू दैट ऑल द पीपल, ऑल द यूनिट, ऑल द पोस्ट, ऑल आर फैसिलिटेड हेयर, एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। सबसे बड़ा पैगाम ये है कि जो ह्यूमनिज्म के लिए काम किया जा रहा है, इंसानियत के लिए काम किया जा रहा है, लोगों की फलाह के लिए काम किया जा रहा है, लोगों की बहबूद के लिए काम किया जा रहा है, हर जाति के लिए काम किया जा रहा है, हर धर्म के लिए काम किया जा रहा है, हर व्यक्ति के लिए काम किया जा रहा है। उसका एक ही पैगाम है कि ना सिर्फ एक स्टेट बल्कि हिंदुस्तान के सभी स्टेट के लोगों के लिए वो उसका एडुकेशन डेवलपमेंट किया जाए, हेल्थ डेवलपमेंट किया जाए, स्पोर्ट डेवलपमेंट किया जाए। मैं तमाम लोगों से, जो लोग व्यूवर है, जो देखने वाले लोग हैं, उनको ये मैं मैसेज कर रहा हूँ कि आप लोग पहली फुर्सत में ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल, ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल से जुड़े, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट मिस्टर फख्र आलम से कॉन्टैक्ट करें, और हिंदुस्तान को एक मजबूत और ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करें, वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ ह्यूमन के लिए काम करें, वेलफेयर ऑफ द पुअर पीपल के लिए काम करें। मेनी मेनी थैंक्स टू ऑल जितने हमारे देखने वाले हैं। आज हमारे चीफ गेस्ट में मिस्टर मिराज खालिद, IPS ऑफिसर, IPS सुजय कुमार चंदा जी, बहुत सारे IPS ऑफिसर थे, ऑनरेबल जज कलकत्ता हाई कोर्ट इंद्रजीत चक्रवर्ती, ऑल द पीपल, बैरिस्टर साहब मिस्टर MD ओवैस साहब, वो तमाम लोग आज प्रेजेंट हुए हैं और हमारे प्रोग्राम को ग्रैंड सक्सेस किए हैं। ये हमारा प्रोग्राम अभी तक चल रहा है और कुछ ही मिनटों के बाद प्रोग्राम एंड हो जाएगा, लेकिन ये अचीवमेंट है हमारा। तमाम जितने भी मेनी मेनी थैंक्स टू ऑल द मेंबर, मेनी मेनी थैंक्स टू ऑल द पोस्ट होल्डर, मेनी मेनी थैंक्स टू ऑल द पीपल हु पार्टिसिपेटेड। सॉरी, फखरे साहब का जो रोल है इतना बड़ा, फखरे साहब उनकी उनकी मेहनत, उनकी जद्दोजहद, उनकी कोशिश, उनकी उनका पसीना, उनका खून लगा हुआ है ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट में, और हर जो है व्यक्ति के लिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सबके लिए काम करें। मेनी मेनी थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। वकील साहब, आपको भी देखा जा रहा है ये जो प्रोग्राम ओपेक्स में आपका भी बड़ा रोल रहा है, उसके बारे में बताइए। इतना बड़ा प्रोग्राम आप लोगों ने किस तरह से किया, और मेरे ख्याल में ये पहला प्रोग्राम है जो
पिछले कई सालों से हम लोग काम कर रहे हैं, पुअर पीपल के लिए काम कर रहे हैं, लेबर के लिए काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसका एक ही पैगाम है कि किस तरह जो हर व्यक्ति का हेल्प किया जाए, उसका मदद किया जाए, उनको कहीं ना कहीं कॉपरेट किया जाए, चाहे हेल्थ के लिए काम किया जाए, स्पोर्ट्स के लिए काम किया जाए, डेवलपमेंट के लिए काम, तमाम लोगों को ये मैं पैगाम दे रहा हूँ कि जो लोग हमसे जुड़ना चाह रहे हैं मिल के आइए, हम सब मिल के एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं ताकि हमारा हिंदुस्तान भारत और स्ट्रॉन्ग हो। ये आईपीएस जो आए थे खालिद साहब, उनके बारे में हमारे जो आईपीएस साहब थे सुजय कुमार चंदा साहब, उन्होंने ये मैसेज दिया है कि हमारा ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल बहुत बेहतर काम कर रहा है वेस्ट बंगाल में, वन ऑफ द ग्रेट वर्क कर रहा है, सभी लोग के लिए कर रहा है, हर जाति और धर्म के लिए कर रहा है। मेनी मेनी थैंक्स। माफी के साथ हाथ जोड़ के विद फोल्डेड हैंड के ज्यादा एक्स्ट्रा लोग स्टेज पर हैं, तो वो लोग प्लीज थोड़ा नीचे आ जाएं। पकड़े सर सामने देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं बहुत ही ब्यूटीफुल स्पीच देने के लिए मैं फखरे आलम साहब के साहबजादे हूँ। अच्छा एक बात बताओ, ये इसको तो मैं भूल ही गया, इसके स्पीच के लिए तालियां नहीं बजाएंगे हम? और इसके लिए जिम्मेदारी नहीं गई बोले लेट से। हमारी कोशिश है कि मैच यहाँ से भी सम्मानित कराया जाए, क्या करेंगे जिन्होंने, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत मौका दिया, एक और जोर का तालियां सर के लिए। ऐसा लगता है कि ये ताली का सिलसिला इशारों में हो। थैंक यू सो मच। अपने मन से कोई नहीं सुन ताली तो जाते हैं, हम लोग खड़े हो जाते हैं, काम करने का वो प्लेटफॉर्म हासिल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यही रहेगा कि आज तो आईटीसी रॉयल बंगाल है, नेक्स्ट दिल्ली तक जाएंगे। सबकी तरफ से उनसे गुजारिश करते हैं कि अपनी दुआएं हम लोगों पे बरसाते रहे। डाउनफॉल होता हुआ हम लोगों को दिखा, हम अपने मेंबर से कंसल्ट किए।